हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू सेशन. वी हैव टुडे सीमांत, सीएमए सीमांत गुप्ता. तो उनकी जर्नी जानना चाहेंगे हम. सीमांत हाय, कैसे हैं सीमांत आप? बस बढ़िया है। आप कैसे हो? फाइन सीमांत. सीमांत, मेरा सबसे बढ़िया फर्स्ट तो आपने क्वेश्चन जो चैलेंज स्टार्ट किया है इसकी बधाई देना चाहता हूँ मैं। है. ओके श्योर. ये काफ़ी न्यू स्टूडेंट के लिए बहुत लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे हम जैसे या फिर और भी कई सारे एक्सपीरियंस हैं जिन्होंने स्ट्रगल फेस किया है, चैलेंजेस डील किए हैं, उनसे पॉजिटिविटी ले करके जो न्यू स्टूडेंट्स होंगे वो अपने करियर को ग्रोथ दे सकते हैं. बेटर है, बहुत अच्छी चीज़ है. सीमांत, मतलब कब से, कब आपने सोचा कि मतलब कब आप सीएमए स्टार्ट करने मतलब की कोशिश करेंगे, या फिर आपने किससे आपको पता चला इसको उसके बारे में? एक्चुअली क्या है ना, मैं आपको सिनेरियो बताता हूँ क्या चीज़ हुआ. ट्वेल्थ हमने पास आउट की थी, हमने सोचा कुछ करना है. सीएमए के नाम तक नहीं मुझे पता था कि सीएमए क्या होता है क्या होता है. तो मैंने कुछ फ्रेंड्स ने हमने मिल करके सीए का प्रोस्पेक्टस मंगाया, किसी फ्रेंड से बोल करके. उस टाइम 100 रुपीज़ का आता था. तो प्रोस्पेक्टस आ गया, जो प्रोस्पेक्टस आ गया सोचा सीए ज्वाइन करेंगे. लेकिन समय बीता थोड़ा सा और कुछ पास आउट हुए, रिजल्ट आया. तो एक फ्रेंड था, उसकी बहन को पता था शायद सीएमए के बारे में क्या था. उसने थोड़ा बताया कि सीएमए कर लो, ठीक है, इसकी भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज हैं. और उसने ऐसा बोला कि सीएमए इजी है. हमने सोचा कि इजी के बहाने चलो ठीक है सीएमए कर लेंगे. तो हमने जो 100 रुपये का जो प्रोस्पेक्टस सीए का था ना, उसको हमने सोचा कि अब इसका क्या करें. हमने उसे 80 रुपये बेच दिया. ओके फिर सीएमए का एडमिशन लिया हमने. तो वहाँ से जर्नी स्टार्ट हो गई कि हाँ सीएमए में घुस गए थे हम. मैं फाउंडेशन के रूट के थ्रू गया ना, 12th पास आउट करते ही 2011-12 के आसपास, 11 की बात है जब स्टार्ट किया था. ये ऐसा रहा था सीएमए स्टार्ट करने का प्रोसेस. ओके तो होल जर्नी के बारे में एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दोगे, आपकी कैसे आपकी होल जर्नी थी? होल जर्नी तो बहुत सारे अप्स डाउन आए हैं. आई एम नॉट अ सर्टन होल्डर टू बी ऑनेस्ट. और ये लगता है ठीक है, अच्छी चीज़ है, बहुत चीज़ें लर्निंग फेस हुई. कुछ जब फाउंडेशन के स्टार्ट दिया था तो फाउंडेशन फर्स्ट टाइम में हो गया था. और इंटर में घुसे, इंटर का सेकंड ग्रुप जो था, सेकंड वो फर्स्ट टाइम में नहीं हुआ, सेकंड टाइम हुआ. बट अप्लाई तो बहुत किया था लेकिन एग्रीगेट की वजह से वो ग्रुप रह गया. इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ग्रुप की तैयारी करते करते 3-4 अटैम्प्ट लग गए थे. लेकिन कुछ अटैम्प्ट स्किप भी करने पड़े क्योंकि ग्रेजुएशन के एग्जाम थे, तो जून अटैम्प्ट हम दे नहीं सकते थे ग्रेजुएशन के रीजन से, तो वो स्किप करना पड़ा. तो लग गया था टाइम. फाइनल फिर उसके बाद हम फाइनल में पहुंचे. फाइनल में भी जो फोर्थ ग्रुप है वो भी सेकंड अटैम्प्ट में निकल गया. लेकिन जो थर्ड ग्रुप था ना, जो सबसे 2012 के सिलेबस में सबसे हाँ हाँ बहुत वो आफत डिफिकल्ट ग्रुप माना वो जाता आफत था थर्ड ग्रुप तो। है वो. तो वो अभी मैं आगे बताऊंगा कि कैसे करना चाहिए. लेकिन थर्ड ग्रुप में एक है लॉ, द विलन, उसे मान के चलो आप. लॉ के भरोसे आप पास नहीं हो सकते. लॉ को आपको मीन अलग तरीके से डील करना पड़ेगा. कुछ हुआ था, बहुत चीज़ें हुई थी, बहुत लॉ की वजह से मेरे अटेम्प्ट बढ़ते जा रहे लगते जा रहे थे. लेकिन लास्ट में आई मेड इट. और यार फिर उसके बाद आर्टिकलशिप हो के जाते रिगार्डिंग कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका, आर्टिकलशिप के रिगार्डिंग? आर्टिकल से. एक्चुअली जब स्टार्टिंग में जब इंटर स्टार्ट किया मैंने, तो इंटर में मैंने आर्टिकलशिप की थी. तो शुरू में मैंने कुछ छोटी मोटी जॉब की, ठीक है. लेकिन फिर याद आया कि 6 महीने की ट्रेनिंग करनी है, मस्ट है बिफोर एग्जाम. तो 6 महीने ट्रेनिंग ली क्योंकि फाइनल के एग्जाम के लिए मस्ट थी. तो ट्रेनिंग के फिर मैंने 6 महीने एक एक गुप्ता एसोसिएट्स हैं जो कि फर्म है, अच्छी खासी फर्म है, वहाँ से काफ़ी कुछ सीखने को मिला. तो 6-7 महीने मैंने वहाँ से किए. उसके बाद मुझे अपॉर्चुनिटी मिली इंडियन ऑयल में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करने की. हाँ, तो वहाँ पे क्या हुआ कि मुझे लगा कि हाँ ठीक है, हर कोई मुझे इंसिस्ट कर रहा था कि पीयूसी में आप करोगे तो आपको पैकेज मिलेगा, लेकिन वैसे मिलेंगे लेकिन लर्निंग नहीं मिलेगी. तो मुझे ऐसा रियलाइज हुआ कि यार लर्निंग नहीं मिलेगी तो फिर कैसे बात चलेगा, मैं तो लर्निंग के लिए हूँ. तो वो एक मेरे लिए लकी रहा कि आईएसएल का जो दिल्ली स्टेट ऑफिस है, ये है आपका कनॉट प्लेस के पास में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, वहाँ पे जो सर्विस डिवीजन था वो मेरे कंट्रोल में था, मींस मेरे सीनियर के कंट्रोल में था. तो मुझे काफ़ी चीज़ें उसमें वर्क करने का मौका मिला और बहुत अच्छा डिवीजन था, सीनियर्स के बहुत अच्छे गाइडेंस थी. तो वहाँ पे जितने भी ट्रेनिंग थे ना हमारे ग्रुप के, उनकी बहुत अच्छी ट्रेनिंग हुई है क्योंकि तो वो वन ऑफ द बेस्ट ट्रेनिंग ग्रुप का है. अभी आप जाके नाम पूछोगे
तो वो मना नहीं करेंगे, जानते हैं बिल्कुल भी। ठीक है, ये रहा। उसके बाद फिर फाइनल में पहुंचे, फाइनल में कर लिए। फाइनल में एक्चुअली ड्यूरिंग इट उसी टाइम पे पास आउट भी हो गया था मैं। फिर ओके कैंपस का हमने सोचा था कि कैंपस अप्लाई करें ना करें, अटेम्प्ट ज़्यादा थे तो बस मन से था कि हाँ कैंपस को बस एक लेटेड भी यहाँ कर लेते हैं, होना कुछ है नहीं। मैं टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि जिसके अगर ज़्यादा अटेम्प्ट है तो मैं तो सजेस्ट यही करूँगा कि आप कैंपस के लिए ना जाओ अगर ओके आपका अटेम्प्ट ज़्यादा है। हमने अटेम्प्ट किया, ठीक है, कैंपस तो शॉर्टलिस्ट तो नहीं हुआ, लेकिन कुछ ओपन इंटरव्यूज बच जाते लास्ट में। हाँ एक कंपनी की RSM, उसमें ओपन इंटरव्यू में शॉर्टलिस्ट, वो हमने इंटरव्यू दिया, GD दिया, GD निकाला, GST की पोस्टिंग। तो बस जहाँ पे जो पैकेज की बात है तो पैकेज थोड़ा सा कम लगा तो उसे ऑप्ट आउट करना पड़ा। उसके बाद ठीक है, जॉब की है मैंने, फिर अब ये मैं एक जगह जॉब कर रहा हूँ मैं, वो भी अच्छी है, ठीक है, अच्छी चीज़ है, काफ़ी चीज़ सीखने को मिली है। मतलब आपको क्या लगता है, मतलब कैंपस में कैसा है, मतलब कैसे वो कुछ सिलेक्शन प्रोसेस या कैसे वो शॉर्टलिस्ट करते हैं, कुछ क्राइटेरिया, कुछ आइडिया है क्या, या किस तरीके की प्रिपरेशन करें जो रिसेंटली क्वालिफाइड होंगे बंदे, जितने भी कैंडिडेट। मैं दो चीज़ में बोलना चाहूँगा मैं, कि एक्चुअली मैंने कुछ पॉइंट आउट भी नोट किए हैं, मैं एक बार उनको रीड आउट कर लेता हूँ कि बेटर रहेगा। हाँ, पहले तो लोग उनके लिए मैं बोलना चाहूँगा जो CMA में ये सोच के घुसते हैं कि यहाँ CMA इजी है। ठीक है, ये तो मन से बिल्कुल निकाल लो कि CMA इजी नहीं है, ये CA से बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। ठीक, जब आप CMA कर लोगे तो आपके लिए बहुत चीज़ें जाएगी, ये आपके ऊपर है। एक तो ये, दूसरा मैंने प्लानिंग नहीं की है, मेरे कई फ्रेंडों ने, बहुत लोगों ने प्लानिंग नहीं करते, हम बस पेपर दिए जा रहे हैं, पास आउट हुए ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट अटेम्प्ट नेक्स्ट अटेम्प्ट, ऐसे चल रहा है सभी के साथ में। लेकिन अब क्या हो रहा है कि हम टाइम भी लूज कर रहे हैं। आफ्टर पास आउट आपके दो ऑप्शन होंगे, या तो आप फर्स्ट अटेम्प्ट होंगे या सेकेंड अटेम्प्ट होल्डर होंगे, या कम लिमिटेड अटेम्प्ट होंगे, तो आपका कैंपस होना है। शॉर्टलिस्ट आप एटलीस्ट गारंटी 100% होगी, क्योंकि जो शॉर्टलिस्ट के जो परफॉर्मा है, फॉर्म फिल होता है, उसमें स्पेशली मेंशन है कि आपकी कितने अटेम्प्ट लगे पर्टिकुलर ग्रुप में, वो आप सारी डिटेल डालते हो, वहीं से आपका सिलेक्शन या फिर शॉर्टलिस्ट वहीं से आपकी हो जाती डिटेल। दूसरे, वो स्टूडेंट्स जिनके ज़्यादा अटेम्प्ट हैं वो कैंपस ना ही करे तो ठीक है, लेकिन कैंपस से पहले अपनी प्लानिंग करना है कि कैसे आपको आगे ग्रो करना है। CMA होने के बेनिफिट ये है कि CA या CMA, वो दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है गवर्नमेंट के एग्जाम में तैयारी करने की। जो PSU के एग्जाम निकलते हैं और भी गवर्नमेंट के फॉर्म निकलते हैं, उसमें इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है, आप इक्वली एलिजिबल हो हर फॉर्म को फिल करने के लिए, मोस्ट ऑफ ऑल। तो उस फॉर्म में फिल करने के लिए आपको थोड़े से पहले से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी कि आप पास आउट हुए और इंस्टेंटली आप तैयारी करने लग जाओ। तैयारी ठीक है करो, जॉब भी करनी है जॉब के साथ, क्योंकि दो चीज़ें प्रॉब्लम फेस करते हैं स्टूडेंट्स, कि पास आउट हो गए या तो हम जॉब स्टार्ट छोड़ दें और उसकी तैयारी करें, या फिर जॉब के साथ कंटिन्यू करें। फिर अगर कंटिन्यू करना है तो आपको पहले से बैकअप बनाना पड़ेगा, हर फैमिली के सपोर्ट नहीं रहता, कभी कभी फैमिली बैकग्राउंड भी नहीं है ज़्यादातर कि हाँ भाई मनी ऑफिस सेंटर, आप जॉब छोड़ करके आप कर सकते, आपको सपोर्ट देना जरूरी है, तो आपको पहले थोड़ी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। मैं तरीका बताता हूँ क्या है, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से पॉइंट आउट किया कि हाँ ये स्टूडेंट करेंगे तो उनके लिए बेटर होगा, उनके लिए बोल रहा हूँ मैं जिनके अटेम्प्ट ज़्यादा हैं। मान लो आपके अटेम्प्ट ज़्यादा हैं, आपने जून में एग्जाम दिया, दिसंबर में एग्जाम दिया, रिजल्ट कब आता है हमारा, फेब में दिसंबर का, इन बिटवीन के जो 2 महीने हैं ना, आप डेफिनेटली वो सब्जेक्ट पढ़ती नहीं जिसमें आपको पढ़ती जिसने आपको आपने पेपर दिया। आप ऐसे टाइम वेस्ट करते हो, पबजी खेल लिया या फिर कुछ और गेम्स खेल लिया या ऐसे कुछ कर लिया। उन 2 महीनों में ना आप अपने आप को यूटिलाइज करो, जैसे कि PSU में क्या है कि जो फॉर्म निकलते हैं उस रीजनिंग पोर्सन, GK पोर्सन, क्वांट, ये सब चीज़ें होती हैं। फाइनेंस तो आप डेफिनेटली बीट कर लोगे या फिर कर लोगे, लेकिन जो डिफरेंट क्रिएट करता है वो पोर्सन क्रिएट करता है, उसके लिए आप उस 2 महीने में तैयारी करो, खूब जी जान के लगा के कोचिंग ले लो, बेटर है कोचिंग ले लो, तैयारी करो, अपने आप को पूरा यूटिलाइज करो। ठीक है, अगर आपको हर अटेम्प्ट में आपको लग रहा है जैसे अटेम्प्ट लगते जा रहे हैं, आप कुछ टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हो, आप उसे यूटिलाइज ही कर रहे हो। जब आप पास आउट हो गए, आपके पास रीजनिंग की तैयारी होगी, फाइनेंस का है ही है, तो PSU की जॉब आपको आराम से इजिली मिल जाएगी। तो ये मैं उनको बोलना चाहूँगा मैं। और दूसरा एक और चीज़ कि हम कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि उन्हें लगता है कि हम
हर एग्जाम पास आउट कर लेंगे विदाउट कोचिंग। बिल्कुल कर लोगे आप, बिल्कुल कैपेबल हो, बिल्कुल एग्री करता हूँ मैं। लेकिन कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनके लिए आपको पास होना ही मस्त नहीं है, आपको उसे जाना जरूरी है प्रैक्टिकल लाइफ के नज़रिए से, जैसे कि एफ आर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, एफ एम फाइनेंशियल मैनेजमेंट और डायरेक्ट टैक्स। ये तो तीन रामबाण, ये जो तीन ऐसी चीज़ें हैं आपको प्रैक्टिकल लाइफ में जाननी जरूरी है। इसके लिए आप सेल्फ स्टडी ना ही करो तो बेटर है। डेफिनेटली आप पास आउट हो सकते हो बिना कोचिंग लिए हुए, लेकिन इसके लिए आप कोचिंग लोगे तो आपको प्रैक्टिकल जो सिनेरियो मिलेगा ना कि आप प्रैक्टिकल में कैसे यूज करना है, वो डिफिकल्टी आप फेस नहीं करोगे कभी भी कहीं भी जॉब में, या कहीं पर भी आप डीटी का कुछ पढ़ रहे हो, या फिर जॉब में कहीं भी डीटी के केस आ गए, बहुत चीज़ें हो जाती हैं जहाँ पे आपकी नॉलेज टेस्ट होती है। और ये तीन सब्जेक्ट आपके लिए बहुत गोल्डन सब्जेक्ट बनेंगे अगर आपने इस तीन सब्जेक्ट पे थोड़ा सा ग्रिप बना लिया और अबाउट द स्टूडेंट आपने नॉलेज हासिल कर ली, तो आपके लिए कोई भी इंटरव्यू क्रैक करना मुश्किल नहीं है। सबसे बड़ी बात ये चीज़ तीन सब बेसिक हैं इंटरव्यू के लिए भी सबसे बेस्ट। और कोई एक सेकंड मैंने ऑन किया है। हाँ एक चीज़ और, अब तो ये तो उन स्टूडेंट के लिए हो गया जो ज़्यादा टर्म है, अब उनका क्या जो फेल हो रहे हैं। ओके जैसे कुछ किसी स्टूडेंट्स के आ रहे हैं 12 नंबर 5 नंबर 10 नंबर, या फिर मतलब ऐसा क्या कर रहे हैं कि वो पास भी हो जाए या थोड़ा ज़्यादा नंबर ले, क्योंकि अटैम्प तो लगते ही हैं लेकिन अटैम्प कुछ होते हैं कि भाई कॉर्नर पे रह गए, कुछ होते हैं बिल्कुल डाउन में हैं। मैं तो उनको यही बोलूँगा गिव अप नहीं करना, या तो अगर वो ये स्ट्रेटेजी फॉलो करें गिव अप ना करने की तो सब पॉसिबल है। एग्जाम्पल मैं खुद हूँ, आप यकीन नहीं मानोगे, फाइनल का जो एक बिजनेस स्ट्रेटेजी है कॉस्टिंग, एक पहले था पेपर जिसमें 50-50 मार्क्स का आते थे, आपको भी याद होगा बिजनेस स्ट्रेटेजी 50 मार्क्स का होता था और एसटीएम 50 मार्क्स का होता ना, मोस्ट ऑफली थ्योरी भी होता, थोड़ा बहुत कॉस्टिंग आ गया ठीक है, 100 नंबर का होता था उसको 50 में कर देते थे, वो 100 नंबर का होता था उसको 50 में कर देते थे। तो वो 50-50 आता था, 50 बिजनेस स्ट्रेटेजी हो गया प्योर थ्योरी और 50 आपका कॉस्टिंग वाला होता था, स्ट्रेटेजी कॉस्ट मैनेजमेंट ऐसे कुछ जो भी, तो वो थ्योरी था, थ्योरी के हर चीज में सभी को डिफिकल्टी आती है थ्योरी में। उसमें मेरे आए थे 8 नंबर 100 नंबर का अटैम्प्ट करने के बाद, सोचो जरा 100 नंबर अटैम्प्ट आपने किया है और आप 8 नंबर लेके आए हो, सही बात है, तो कितना जीके फील होगा। ठीक है कोई नहीं, वो फर्स्ट अटैम्प्ट था, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने अब इसी चीज उस चीज़ को अपने चैलेंज को एक्सेप्ट किया, लेकिन अगले अटैम्प्ट में मैंने 81 लेके आया उसमें। क्या बात है, वेरी गुड यार 81। और ऐसी एक लॉ है, लॉ का तो मैं चाहती हूँ मैं इस पर एडवाइस देना लोगों को कि जो मैंने एक्सपीरियंस गेन किया है ना लॉ के केस में तो बहुत मस्ट है। हर मेरा अटैम्प्ट लंबा हुआ लॉ की वजह से, हर बार मेरा ग्रुप लॉ की वजह से रहा, लॉ में मैं पास नहीं हो पा रहा था। लोग क्या करते हैं, ठीक है एक अटैम्प्ट दिया, या फिर हर पेपर के बेस पे यही करते हैं कि एक अटैम्प्ट दिया और फेल हो गए, ठीक है फिर उसी बुक्स को वही स्ट्रेटेजी को अगले अटैम्प्ट में यूज करते हैं, फिर फेल हो गए, फिर उसी बुक्स को उसी स्ट्रेटेजी को अगले अटैम्प्ट में यूज करते हैं फिर फेल हो जाते हैं, तो ऐसे फिर वो आगे नहीं जा पाएंगे, आपको अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ेगी। मैंने लॉ के केस में क्या हुआ, मैंने मुंडी सेमिनारी पहले पढ़ी, ठीक है पढ़ लिया हो गया नहीं हुआ अटैम्प्ट, फिर मैंने दोबारा मुंडी सेमिनारी पढ़ी, क्योंकि मुंडी सेमिनारी का हमारे पास ऑप्शन था नहीं, हम वही बेसिक मानते थे कि मुंडी सेमिनारी से बढ़कर कुछ है ही नहीं, बिल्कुल उनसे बढ़कर कुछ नहीं है, लेकिन जब आप एक ही चीज़ को बार बार पढ़ते हो ना आपकी रिटेनिंग पावर कम हो जाती है, आपको लगता है कि आपको ये आता है ये आता है ये आता है, आप उसी हिसाब से स्किप करके चलते हो और पढ़ नहीं पाते हो। तो मैंने क्या किया, जैसे जब मेरे मार्क्स आए हैं लॉ में 82, ओ तेरी बाप रे 82, फर्स्ट टाइम पास हुआ हूँ मैं 82 के साथ, अदरवाइज मेरे 25 37 28 ऐसे मार्क्स थे, ठीक है जब पास आउट हुआ मैं 82 के साथ पास हुआ हूँ मैं, ठीक है तो उस केस में मैंने मुंडी सेमिनारी पढ़ी, क्योंकि ये सारी स्ट्रेटेजी मैं यूज कर चुका था, मैंने टारगेट बनाया एक महीने में मुझे 20 पेन खाली करने ओके लिखने के टारगेट। हर थ्योरी पेपर के लिए मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि आप लिखने टारगेट बनाओ, कुछ भी पढ़ो लिखो, 20 पेन टारगेट बना लो, सॉल्व किया स्कैनर सॉल्व किया, सॉल्व इन द सेंस ये नहीं कि हाँ मैंने रीड किया उसको, मैंने लिखा
यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस हैं कैसे लिखना है कि पहले सेक्शन कोट होना चाहिए, 100% श्योर नहीं हो तो मत कोट करो, बहुत सारी आपकी वीडियो मिलेगी मेरे से बेटर बेटर, आप अगर यूट्यूब पे सर्च करोगे आपको बहुत मिल जाएगी। लेकिन एक जान लेना कि थ्योरी के पेपर में आपको फेंकना नहीं है, 2-3 पॉइंट लिखो और बुलेट्स में लिखो, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपके मार्क्स कटेंगे कटेंगे। और नंबर टू, आपको जब फेल होते हो ना, आप अपने आंसर की मंगाओ, आंसर की मंगानी बहुत ज़रूरी है, कि जब मंगाने के बाद आपको अपने आपको इवेल्युएट करने का जो मौका है ना, उससे बेटर कुछ और नहीं मिलेगा। अगले टाइम आप डेफिनेटली उससे प्लस करोगे आपने अगर आंसर की मंगाई तो। ये ठीक है, कुछ चीज़ें थी पॉइंट्स जो मुझे लगता था। काफी मजा आ रहा है, अच्छा है, काफी पॉइंट्स आपके। हाँ ये चीज है, मैंने एक्सपीरियंस बहुत फेस किया है। ठीक है, मेरे लिए तो मुझे तो अभी भी सेक्शन सारे याद है, मोस्ट ऑफ ऑल सेक्शन याद है लोग के इस हिसाब से, क्योंकि एक ठान लिया था मेरे, तो मजबूरी डू अटेम्प्ट था। ठीक है, थर्ड ग्रुप के दो सब्जेक्ट मेरे एग्जामिनेशन में थे, दोनों प्रैक्टिकल, एफएम और आपका टैक्स, दोनों प्रैक्टिकल एग्जाम में थे, बच गया था बीएस वाला, और नहीं टैक्स मेरा वर्किंग में था, बीएस एग्जाम था और एफएम एग्जाम था, लॉ और टैक्स ये मुझे देने थे जैसे भी करके। और लॉ के लिए तो मेरे पास डू ऑर डाई था, यार इसमें तो पास 50-50 पास लाने आपके दोनों के इसमें, और दोनों में मेरी डिस्टिंक्शन आई थी, डिस्टिंक्शन नहीं थी एग्जामिनेशन तो आई थी, 81 और 61 आए थे। ठीक था, ये तो बस एक यही चीज़ है कि स्टूडेंट्स के लिए 2-4 चीज़ें मैंने बहुत जरूरी चीज़ बताई हैं, आप अपने टाइम को यूटिलाइज करना सीख लो। जब आप फेल होते हो उसके 2 महीने जो बचते हैं उसमें आप रीजनिंग की तैयारी करो, ताकि अगर आपको गवर्नमेंट जॉब इन सब पीएससी में जाना है, अगर प्रैक्टिस में भी जाना है, तो आपको करंट चीज़ों की अपडेट लेते रहो, क्योंकि जब आपके जो पेपर दे रहे हो ना वो 6 महीने पुराना है। अच्छा, पेपर जो दे रहे हो वो 6 महीने पुराना है, लेकिन जो करंट जो चल रही है वो 6 महीने एडवांस में चल रही है, आपको अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। हम सभी सर्विस टैक्स के साथ पास आउट हुए हैं, हम सारी सर्विस टैक्स पढ़ी है, लेकिन जब पास आउट होने के बाद हमारे लिए तो सर्विस टैक्स था ही नहीं, जीएसटी हमारे लिए जीएसटी पूरे, फिर पास आउट होने के बाद पूरे 1 महीने लगा कर मैंने जीएसटी पढ़ी, जीएसटी के लिए अपने आपको अपडेट किया, तो उसका बेनिफिट मिलता है। जहाँ पर मैं अभी काम कर रहा हूँ मैं, वहाँ पर जीएसटी का भी ज़्यादा मेजरली जीएसटी देखता हूँ मैं। तो ये चीज़ अपने आपको ये मत सोचना कि हाँ आप फेल हो रहे हो, आपके लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, आप ज्यादा टाइम लग रहा है कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, इवन आपके टाइम लग रहा है बैलन गुड, लेकिन अपने आपको आपके पास टाइम हो तो जो डिजर्व। ये मेरे कुछ पॉइंट्स थे। अच्छा एक और क्वेश्चन है मेरा, क्या सीएमए को हम सेल्फ स्टडी कर सकते हैं क्या, सेल्फ स्टडी से? क्या सीएमए को हम सेल्फ स्टडी से कर सकते हैं क्या? सेल्फ स्टडी से सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ मैं, एफएम, एफआर और डीटी, अगर आपको सिर्फ पास होना है तो इनका भी सेल्फ स्टडी कर लो, वेल एंड गुड, लेकिन अगर आपको कुछ बनना है या अपने नॉलेज को यूटिलाइज करना है, क्योंकि इन्हीं 3 सब्जेक्ट पे आपको आगे टेस्ट किया जाएगा, अगर 3 सब्जेक्ट आपका थोड़ा सा ग्रिप नहीं है, एफ आर के लिए आपकी बैलेंस शीट का काम करोगे आपको एफ आर की रेलेवेंसी होगी, एफ एम का काम करोगे आप किसी भी मॉनिटरी फील्ड में अगर जाना चाहते हो, ठीक डेरिवेटिव फील्ड में वो आपका एफ एम का काम करेगा, मीन्स वो हर एरिया में होगा, आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो अपने पर्सनल लाइफ के लिए, पर्सनल यूज के लिए जो भी कुछ है, इन्वेस्टिंग सीखना चाहते हो तो एफएम यूज करेगा, और डायरेक्ट टैक्स रिटर्न के काम आपको डायरेक्ट टैक्स के थ्रू मिलेंगे, जब आप आईटीआई फाइल करोगे आईटीआई का काम मिलता है, प्रैक्टिस में भी जाना है तो डीटीए काम है, तो अभी ड्यूरिंग आप स्टडी ही कर सकते हो, आफ्टर क्वालिफाइड आपको बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, सस्टेन करना आपके लिए मार्केट इक्विवेलेंट है, आप जब पास आउट होगे ना आपके सामने सीए और सीएमए दोनों मिलेंगे, कुछ सीएमए होंगे आपके इतने लेवल पे होंगे सेम टाइम पे पास आउट हुए उनके साथ आपको बीट कर कम्पीट करना है, कुछ सीए होंगे उनके साथ कम्पीट करना है, क्योंकि आप जिस इंडस्ट्री में जाओगे वहाँ पे दोनों मिलेंगे,
तो उनके साथ अगर आपको कम्पीट करना है तो अपना कुछ लेवल तक बनाना पड़ेगा। मैंने बहुत देखा है कि कुछ सी एम ए स्ट्रगल करते हैं, इवन सी ए भी स्ट्रगल करते हैं, क्यों उनकी ट्रेनिंग सही से नहीं होती और सब सेल्फ स्टडी करके पास तो हो जाते हैं, लेकिन जो सेल्फ स्टडी करने से जो टीचर का जो एक्सपीरियंस है ना वो मिस हो जाता है। वो तीन सब्जेक्ट के लिए सेल्फ स्टडी ना ही करो ठीक है, डमी लेने कोई रीजन है नहीं। थैंक्स सीमांत। सीमांत एक और क्वेश्चन है मेरा कि जब हम सीएमए में आर्टिकल शिफ्ट करते हैं तो हमें फर्म की तरफ जाना चाहिए या फिर एक अगर पीएचडी मिल रही है तो पीएचडी की तरफ जाना चाहिए हमें? मतलब हमें कॉस्टिंग फील्ड में जाना है या फिर नहीं, क्या होता है कि क्या नाम इसका जो हम चूज कर रहे हैं, या तो हम जो आर्टिकल शिफ्ट कर रहे हैं वो फर्म बेटर रहेगी हमारे लिए या पीएचडी बेटर रहेगी हमारे लिए, तो दोनों में से कौन सा ऑप्शन सही रहेगा स्टूडेंट्स के लिए? तो आज के टाइम ठीक है सीए के फॉर्म में थोड़ा वैरायटी काम मिलते हैं, सीएमए के फॉर्म में भी अब वैरायटी काम मिलते जा रहे हैं, क्योंकि अभी जीएसटी ऑडिट हमारे पास है, इंटरनल ऑडिट है और कॉस्ट ऑडिट है ही है, और बाकी छोटे मोटे काम में जाओगे ना वहाँ पे ये चीज इंश्योर कर लेना कि उनके पास कॉस्टिंग के अलावा भी और काम होना चाहिए, क्योंकि ऐसे कुछ फॉर्म सीए फॉर्म्स भी हैं जिनके पास सिर्फ आईटीआर का ही काम है या छोटे छोटे मोटे ऑडिट के काम है, लेकिन कुछ सीएमए के फॉर्म है उनके पास अच्छा खासा काम भी है। तो आप जब चूज करोगे ना तो ये जरूर क्राइटेरिया फिक्स कर लेना कि उनके पास थोड़े से वैरायटी के काम हो, एक दो दिन काम करके या फिर जो भी है आप सोर्स लगा करके थोड़ा सा, जब तक वैरायटी काम आप आइडेंटिफाई नहीं करोगे आप स्ट्रिक्ट हो जाओगे एक ही फील्ड के लिए, क्योंकि कोस्टिंग में ठीक है कोस्टिंग में एक्सपोजर है हमारा बहुत अच्छा है, लेकिन सभी का इंटरेस्ट नहीं होता है ना, जैसे कि सीए का सीए भी जरूरी नहीं सारे टैक्सेशन हेड में जाएंगे, सभी का अपना इंटरेस्ट होता है, इसलिए तो हमें अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं कि आप अपना इंटरेस्ट जगाओ, हर सब्जेक्ट के लिए आप अपने आपको एक इक्वल टाइम दो कि हाँ मुझे ये सब्जेक्ट लेना है। अब फॉर्म पे डिपेंड करता है कि जिस फॉर्म में आप जाओगे वो आपके कैरियर डिफाइनिंग फॉर्म हो जाएगी, अगर आपने वहाँ पर साल या डेढ़ साल जितना भी टाइम दिया अगर आपने वहाँ पर मस्ती काटी है तो फिर तो आप लाइफ टाइम मस्ती ही काटोगे, मनी तो रहने दो, अर्निंग मनी बिल्कुल रहने दो, अगर आपने स्ट्रगल फेस किया फॉर्म में ठीक है तो फिर वो मान के चलो वो स्ट्रगल आपको लास्ट में पे ऑफ करेगा ही करेगा। कुछ मैंने फॉर्म स्टूडेंट्स देखे हैं जो अच्छे खासे फॉर्म से जुड़ करके कि लगता है यहाँ पे प्रेशर बहुत है नहीं होगा सर्वाइव, बहुत मेहनत करवाते हैं बहुत काम करवाते हैं छोड़ के चले जाते हैं, वो ही तो सबसे गोल्डन पीरियड है आपको मेहनत करने का, ट्रेनिंग का मतलब ही क्या है अगर आपने मेहनत ही नहीं की तो। ओके थैंक्स यासीमान। एक और मेरा एक क्वेश्चन और है मेरा कि सीएमए की जो सीएमए को निकालने के लिए यानी सीएमए एग्जाम निकालने के लिए स्कैनर और फर्स्ट ईयर के पेपर का क्या मतलब क्या इंपॉर्टेंस है? बिल्कुल इंपॉर्टेंस है, वो तो आपको एक पाह दे देता है कि हाँ कि आपको इस तरीके से सॉल्व करना है या इस तरीके से एग्जाम आते हैं, क्योंकि तो कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जहाँ पे आपको लगता है कि आप थ्योरी पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि सर थ्योरी आ गई, लेकिन प्रैक्टिकल बनते हैं तो वो आपको स्कैनर से दिखेगा ना कि अगर प्रैक्टिकल बने हैं तो वहाँ से बने हैं, लेकिन स्कैनर तो आपको करना ही करना है। स्कैनर और मॉड्यूल मॉड्यूल बहुत अच्छे हो गए, पहले टाइम पे थोड़े मॉड्यूल्स में थोड़ा सा कमी थी, हमने भी पढ़ा था मॉड्यूल से, लेकिन अब सब चीज रेक्टर बहुत अच्छे मॉड्यूल बन रहे हैं और एग्जाम का पैटर्न भी काफ़ी अच्छा हो गया है, इवन और एग्जाम का सिलेबस भी काफ़ी कम हो गया है पहले के मुकाबले अच्छी है, लेकिन ये दो चीज़ आप और मेरा एक और क्वेश्चन है कि एक स्टूडेंट है वो बहुत मेहनत कर रहा है और बहुत पढ़ाई कर रहा है लेकिन उसके अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट और अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट लग रहे हैं, तो क्या उसको छोड़ना चाहिए क्या करना चाहिए? अब ये तो अपने आप से भी मैं रिलेट कर सकता हूँ, ठीक है मेरे अटेम्प्ट बहुत लगे हैं, ऐसा नहीं कि चार पांच अटेम्प्ट लगे ही लगे हैं, उस टाइम में तो ये होगा कि आपको ना 100% 200% 300% जो देना दे दो, क्योंकि अगर आपने वहां से आप पीछे हट गए तो कभी आगे नहीं बढ़ोगे, वहां पर बस आप फिर जगो निहाती जगो,
आप कहीं जाते हो, आपने नोट्स की ऑडियो बुक बना लो, उसको लीड में लगा लो, सुनते रहो, वो भी आपका एक सोर्स है। या आपने कोई भी रिविजन किया उसको ऑडियो में रिकॉर्ड कर लो, उसे सुनो, वो भी आपका टाइम यूटिलाइजेशन है। इवन आपके एक एक मिनट्स का आपको टाइम का पता होना चाहिए कि कहाँ जा रहा है, तभी कुछ हो पाएगा। अगर आप एफ बी या टाइम स्पेंड करोगे, मैंने कुछ है, कुछ गोल है दिमाग में, वो गोल अचीव होंगे तभी होगा। लेकिन ये चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी आपको कि एफ बी और व्हाट्सएप तो ये मान के चलो, फोन में तो मैसेज का नोटिफिकेशन आप म्यूट करके रखो, कॉल का एटलीस्ट अर्जेंट है, जिसको अर्जेंट होगा वो कॉल करेगा, वो आपका कॉल रिंग होगा। लेकिन जो मैसेज का नोटिफिकेशन होगा, हर एक एक सेकंड में लोगों के फोन बजते हैं, वो माइंड डाइवर्ट होता है, फोन देखना है, फोन देखना है, तो फिर मैसेज का आप साउंड म्यूट कर दो, आपको पता नहीं चला कि क्या है। जो जो बिल्कुल अर्जेंट होगा वो डेफिनेटली कॉल करेगा, जब फ्री हो गए आप उस टाइम सारे मैसेज पढ़ो, ऐसे तरीके हैं। लेकिन तो हार मानने से अच्छा तो बेटर है कि अपने आप को प्रिपेयर रखो। सीमांत काफी अच्छे से आपने सभी क्वेश्चन का आंसर, सभी क्वेश्चन का आंसर आपने काफी अच्छे से दिया है। सीमांत एक और क्वेश्चन है मेरा कि एक व्यक्ति ना उसको पता होता है कि मुझे 12th के बाद सीएमए करना है, एक व्यक्ति को पता है कि 12th के बाद सीएमए करना है, लेकिन एक व्यक्ति जिसको 26-27 तक वो अनजान है इन चीजों से, और अब वो 26-27 की एज में चाहता है कि अब वो सीएमए करे, क्या पॉसिबल है क्या ये? पॉसिबल है, लेकिन ना उससे पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कितना वो टाइम, कितने एफर्ट्स रिक्वायरमेंट है सीएमए करने में। क्योंकि अगर वो हमें, जैसे कि हमारे कई फ्रेंड्स होते हैं, जो भी कुछ है आपके फ्रेंड्स होते हैं, वो देखते सीएमए है, ठीक है, उन्होंने बहुत मेहनत की, अचीव की, उनको भी करना है, बिल्कुल जो है वो कर सकते हैं, मैं नो डाउट नहीं कह रहा कि नहीं कर सकते। लेकिन जिस लेवल पे आप या जिस टाइम पे आप हो, तो उस टाइम पे ये मान के चलो कि आपको एटलीस्ट 4 hours पर डे देने ही पड़ेगा। जॉब के साथ आप जॉब तो ड्रॉप नहीं कर सकते, जॉब के साथ अगर आप 4 hours दे सकते हो तो आप, वो भी डेडिकेटेड 4 hours, तब आप सीएमए के लिए करोगे और एग्जाम तब आपका बीट होगा। अदरवाइज अगर आप नहीं दे सकते तो आप एनरोल मत करो, क्योंकि ये हार्ड एंड फास्ट रूल तो है नहीं कि आपने एनरोल किया आपने बीकॉम में पढ़ा है, जो भी है उसके बेस पर स्टडी करो, बहुत वास्ट है, तो ये सब आप लोग आप कर सकते हो, अपने आप को ऐसे ट्रीट करो। ओके सीमांत, मेरे लास्ट दो क्वेश्चन है सेशन को एंड करने से पहले, क्योंकि आपने सारे सवालों के जवाब जो है काफी अच्छे से दिए। लास्ट दो क्वेश्चन है कि क्या सीएमए का स्कोप है क्या? ये क्वेश्चन बहुत ही पूछा जाता है, क्या स्कोप है क्या सीएमए का? स्कोप तो देखो, मैं इंडस्ट्री में हूँ, ठीक है, मुझे लगता है कि अगर आपके पास नॉलेज है, अगर मैं 12-19 सब्जेक्ट पिछले जा रहा हूँ कि वो आपके स्कोप डिफाइन कर देगा। अगर वो 3 सब्जेक्ट को आपने अच्छे से नहीं किया तो आप नहीं कह सकते कि स्कोप है, क्योंकि तो सीए से हम कहाँ बीट करते। मैं कंपीट नहीं कर रहा, मैं या कंपेयर नहीं कर रहा, लेकिन एक्चुअली क्या वो प्रैक्टिकल में थोड़ा सा वहाँ पे हमसे अबव हैंड है उनके पास, कि वो इन सब चीज़ों पे जो मैंने वर्डिंग बताई, जो सब्जेक्ट दिए हैं उनके प्रैक्टिकल पे वो काम कर लेते हैं, तो ताकि वो अपने आप रिप्रेजेंट कर पाते हैं उस सब्जेक्ट के ऊपर। क्योंकि मार्केट में आपको उन सब्जेक्ट पे ही काम करना है, अकाउंटिंग और टैक्सेशन यही तो है, टैक्सेशन में आपका जीएसटी भी आ गया, सब चीज़ हो गया, तो अगर आप वो सब्जेक्ट कर लो तो आपके लिए स्कोप ही स्कोप है। अदरवाइज आपको ये लगेगा कि स्कोप नहीं है, कोई हम मुझे जॉब नहीं दे रहा है, या फिर कोई नहीं समझ रहा सीएमए को क्या है। सीएमए का सिलेबस बहुत वास्ट है सीएस से, ये तो डेफिनेट ट्रू है, लेकिन उस वास्ट सिलेबस का यूटिलाइज करना प्रैक्टिकल सिनारियो में वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि मैंने कहा ना, आप इंडस्ट्री में आपको दोनों मिलेंगे, सीए की पॉपुलेशन ज़्यादा हो इसलिए सीए की पॉपुलेशन आपको ज़्यादा दिखती है, लेकिन सीएमए को अगर रेशियो निकाले जाएंगे उतना ही रेशियो होगा, तो इसलिए आपका ये स्कोप डिफाइन करेगा। ओके, मेरा सेशन को एंड करने से पहले लास्ट क्वेश्चन होगा मेरा सीमांत, की कोई एडवाइस जो चाहे सीएमए स्टूडेंट को देना चाहो, या इंटरमीडिएट के हो गए या फाइनल के जो स्टूडेंट्स हैं, उनको कोई एडवाइस देना चाहते हो आप? एडवाइस तो खैर मैंने कई बार रिपीट किया,
मैं उनको एक समरी में दोबारा बताता हूँ, तो कर लो आपको सब लोगों से अलग, लेकिन इन सब चीज़ों का आपको क्रेज छोड़ना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं छोड़ोगे तो आप नहीं सीएमए कर सकते, ठीक है। इसमें बहुत टाइम लगता है, और जो आप अटैम्प्ट देते हो तो अटैम्प्ट के बाद जो टाइम बचता है उसके लिए टाइम को आप यूटिलाइज करो, या अपने कोई और एक्टिविटी करो, या फिर आप जो जिसमें फील्ड में जो इंटरेस्ट है वो अलग से करो, क्योंकि अपने आपको एंटरटेन रखना भी जरूरी है। हमेशा पढ़ाई में रहे रहोगे तो वो भी नहीं हो पाएगा, अपने एंटरटेन रखना भी जरूरी है कि आप उस टू में आफ्टर एग्जाम जो मिलता है उससे आप, और राइटिंग का ये नहीं क्या फैन कटाबिटी कर दिया खाली कर दिया, नहीं वो तो यार एक बोलने की चीज है, बट अगर ये आप लिखोगे नहीं ना, क्योंकि आपके पेपर में लिखना ही तो है, आपके दिमाग में जो भी कुछ भी हो उससे मैटर नहीं करना, जब आप वहाँ पे लिखोगे तभी तो मैटर करेगा। और लिखने की स्ट्रेटेजी बहुत सारी यूट्यूब से भी मिल जाएगी कि बुलेट्स में लिखना है, पॉइंट्स में लिखना है, सेक्शन कोड नहीं करना जब तक सर्टेन ना हो, बहुत सारी चीज़ें, बट लिखना तो मस्ट है, आपको लिख के ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी मन में रह करके, क्योंकि जब तक लिखोगे नहीं आप एग्जाम में नहीं लिख पाओगे, एक बार तो लिखना ही पड़ेगा। बहुत सारे हमारे मॉक टेस्ट निकलते हैं छोटे मोटे होते हैं, उन सब की प्रैक्टिस करो खूब, और टीचर्स भी कई सारे अच्छे हैं, लेकिन ना जो भी आप सब्जेक्ट चूज करोगे ना, या जो भी आपने अपना स्टडी मटेरियल उठाया, जैसे कि कोई सोच रहा है कि मुझे स्टडी मटेरियल करना है, ठीक है कर लिया, फिर उसने सोचा कि स्टडी मटेरियल के साथ मैं स्कैनर भी करूँगा, ठीक है, फिर उसने सोचा कोई और राइटर की एक बुक्स है वो भी ले ली, फिर एक और राइटर की बुक्स ले ली, ऐसे करके 5-6 सोर्स इकट्ठे हो गए, अभी कोई से कंप्लीट नहीं हुआ है। तो आप पहले लिमिटेड सोर्स को ही पकड़ो, आपको अलग से सोर्स लेने की जरूरत नहीं, या फिर जब आप लगता है आपको लेना है तो पहले पुराने लिमिटेड सोर्स को खत्म करो, तब आप लो 10 चीज इकट्ठा कर लो तो आप लिमिटेड रखो अपने स्कोप, तो ओके ओके थैंक्स यार सीमांत, आपने मतलब ना वैल्यूएबल जो समय था उसमें से कुछ एक समय निकाला था कि जो स्टूडेंट्स हैं, मतलब मेरा पर्पस ये भी है कि क्या नाम इसका कि ये जो गाइडेंस है ना, मैंने देखा कि हमारे समय में इतना था नहीं, मतलब इतना कि अगर हमें कोई इतना गाइड होता या ऐसी कुछ चीजें मिलती इस चीजों की लैक थी तो मैं इस तरह की गाइडेंस अगर हमें मिली होती तो डेफिनेटली हमारा करियर ठीक है अभी भी अच्छी पोजिशन पे है, बिल्कुल अच्छी पोजिशन पे है, लेकिन ठीक है एक्सपीरियंस से बहुत चीजें होती हैं, टाइम इज मनी ये मान लो, तो यही मेरा पर्पस है कि अलग अलग एक्सपीरियंस मिले कि आपकी क्या नाम वीडियो से काफी कुछ मिला, जैसे कि क्या नाम उसका जो छोटी का सब्जेक्ट है उसमें कैसे एग्जम्पशन करें, क्योंकि ये बहुत वीक पॉइंट है, सीए में हो चाहे सीए हो चाहे सीएस हो, सीएस तो इसलिए नहीं करते स्टूडेंट की छोटी सब्जेक्ट से डर के कारण। तो थैंक्स सीमंत यार, मैं सेशन का एंड कर रहा हूँ, थैंक यू सो मच फॉर द वैल्यूएबल टाइम आपने अपना कीमती समय दिया। माय प्लेजर, थैंक्स सीमंत, थैंक्स। कोशिश करेंगे कोई अगर इन भविष्य इन फ्यूचर अगर स्टूडेंट्स रिक्वायरमेंट करेंगे डिमांड करेंगे तो एक और सेशन करेंगे आपके साथ। बिल्कुल बिल्कुल, नो इशू, थैंक यू, थैंक्स यार, थैंक्स, बाय, थैंक्स यार, थैंक यू।